वाइटिंग एंटरटेनमेंट श्रृंखला दीप महोत्सव की चौथी कड़ी में आज हम बात करेंगे अन्नकूट यानी गोवर्धन पूजा की। दीपावली उत्सव के चौथे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा को अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व को गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गौ माता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। पुराणों के अनुसार ये पर्व द्वापर युग में आरंभ हुआ था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पके हुए अन्न गोवर्धन और गायों की पूजा करके उन्हें भोग में लगाए थे, इसलिए इस दिन का नाम अन्नकूट और गोवर्धन पूजा पड़ा। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय और ग्वाल बालों की रोली, चावल, फूल, जल, मौली, दही और तेल का दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। श्रद्धालु 56 प्रकार के पकवान, रंगोली, पके हुए चावलों को पर्वत के आकार में बनाकर श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं और इसके बाद अपने स्वजनों और अतिथियों के साथ बाल गोपाल को अर्पित इस महाप्रसाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा को भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ा था। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बनाकर इंद्र की पूजा की तैयारी में जुटे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? सबने कहा, क्योंकि वो वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है, उससे हमारी गायों को चारा मिलता है। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, फिर तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से तो गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते और पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा हमें नहीं करनी। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे। सबको लगा इनका कहा मानने से ही ऐसा हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए उस पर्वत तले बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा, आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा, आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं है। वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें सब कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ये सुनकर इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकार वश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं, मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है। गुड़ चावल मिलाकर खिलाया जाता है। अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही दारिद्र्य का नाश होकर मनुष्य जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है, ऐसा कहा जाता है। परेवा तिथि को लेकर ये भी माना जाता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वो वर्ष भर दुखी ही रहेगा, इसलिए हर मनुष्य को इस दिन प्रसन्न होना चाहिए। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी तरह पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है।
देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी तरह गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का भी विधान है। भारतवर्ष के कुछ स्थानों पर गाय के गोबर से बनने वाले गोवर्धन को मनुष्याकार दिया जाता है और उसे पुष्पों लताओं से सजाया जाता है। शाम को गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फूल, फल, खील, बताशे चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद गोवर्धन जी के साथ परिक्रमाएं की जाती हैं। कुछ स्थानों पर लेटे हुए पुरुष के रूप में गोबर से गोवर्धन जी का निर्माण किया जाता है। इनकी नाभि के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगा जल, शहद, बताशे जैसी चीजें पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। इस दिन कुछ स्थानों पर संध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। कहीं कहीं पर दस्तकार और कल कारखानों में कार्य करने वाले कारीगर भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी करते हैं। इस दिन सभी कल कारखाने पूर्णतः बंद ही रहते हैं। घर पर कुटीर उद्योग चलाने वाले कारीगर भी काम नहीं करते। भगवान विश्वकर्मा और मशीनों के साथ साथ उपकरणों का दोपहर के समय पूजन किया जाता है। व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट की दीप महोत्सव श्रृंखला की चौथी कड़ी में आज हमने अन्नकूट यानी गोवर्धन पूजा के बारे में बात की। अगली कड़ी में पांचवें दिन के त्योहार यम द्वितीया यानी भाई दूज के महत्व और इससे संबंधित मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। देखते रहिए व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। ज्योति पर्व दीपावली आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। हैप्पी दिवाली।